Assalamu alaikum everyone, this is your host Ahmed Malik and right now we are in PC Hotel Lahore जहाँ पे आपके लिए ज़मीन प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनाग्रेट किया गया है. बहुत प्यारा इवेंट है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं. अभी आप देख सकते हैं द क्राउड एंड एवरीथिंग, द हाउस इज़ फुल. बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लिया इस इवेंट के अंदर और लाइक ऑलवेज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. अभी हम मौजूद हैं मिस्टर चौधरी महबूब खलील के साथ. ही इज़ द चेयरमैन तनवीर डेवलपर्स जिनका ये प्रोजेक्ट एलवी हाइट्स है. इनसे बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, ये कुछ हमसे शेयर करेंगे इनसाइट्स अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द मोटिवेशन टू मेक दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस एंड एवरीथिंग एल्स इन बिटवीन. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर. रिसेंटली हमने ये प्रोजेक्ट आपका ऑनबोर्ड किया है zameen.com के साथ, अब एक्सक्लूसिवली मार्केट कर रहे हैं, इसको सेल करेंगे हम इंशाल्लाह. तो सर जरा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि कहाँ मौजूद है ये प्रोजेक्ट और आपने कैसे इसका आपने हाउ डिड यू कम अप विद इट? सर थैंक यू. ये असल में जो रिंग रोड है, रेवन रोड इंटरचेंज, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे वाकया है. पहले हम वहाँ पे एक एलवी बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि एलवी लाहौर विलास हाउसिंग सोसाइटी है हमारी, उसके अंदर ये हम बना रहे हैं एलवी क्लब बना रहे हैं और एलवी हाइट्स बना रहे हैं. ये हमारा पहला हाइट्स का प्रोजेक्ट है एलवी लाहौर विलास के अंदर. इसके बाद इंशाल्लाह एलवी क्लासिक में भी जा रहे हैं हम, क्योंकि इसका बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पॉन्स मिला हमें और ये आपकी भी काविश है, आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया. इंशाल्लाह एलवी क्लासिक भी जल्द, उस पर वर्किंग जारी है हमारी. और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में डिज़ाइन किया गया, सारा हमारी मशावरत से हुआ है, सारे हमारे इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स ने मिलके इसको डिज़ाइन किया है. कुछ इसमें zameen.com का भी मशवरे शामिल थे. अभी नेक्स्ट जो हो रहा है वो पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, जर्मन में डिज़ाइन कर रहे हैं हम इसको. एलवी क्लासिक जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो भी इंशाल्लाह ऑन बोर्ड होगा जल्दी. तो वो भी बिल्डिंग है या वो? बिल्कुल वो भी बिल्डिंग है, ये ग्राउंड प्लस 8 है. वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कंसर्न अथॉरिटी से जितनी हमें हाइट्स अवेलेबल मिल जाए, हाइटेड होगा. कोशिश कर रहे हैं 160 फीट का, ये 110 है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं 160 तक जाएं या 150 तक जाएं, जितनी अवेलेबिलिटी हमें होगी उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह. सर टॉकिंग अबाउट एलवी हाइट स्पेसिफिकली, इसमें क्या ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो आपने इंट्रोड्यूस कराई हैं? क्या इसके अंदर एमिनिटीज़ दी गई हैं? क्लब के बारे में आपने बात की तो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? सर इसके लिए अगर हम बिल्डिंग के अंदर क्लब बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको पता है कि रेजिडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है. हमने बिल्कुल इसके साथ अटैच बिल्डिंग एक बना रहे हैं, वो तकरीबन एक कनाल पे मुश्तमिल है, उसमें हम बना रहे हैं एलवी क्लब के नाम से एक्सक्लूसिवली रेजिडेंट्स के लिए. उसमें हम दे रहे हैं जिमनेजियम है लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, प्ले एरिया बच्चों के लिए, स्विमिंग पूल है, उसमें कॉफ़ी शॉप्स हैं. और उसके अलावा जितने ये बिल्डिंग बेयर कर सकती थी उसके लिए हमने इसको अलहदा सेपरेट लिफ्ट दे के इसकी रूफ टॉप गार्डन, कैफेटेरिया, होटल वगैरह जो हम इसके टॉप पे कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 किनाल की बिल्डिंग है तो काफ़ी अच्छी स्पेस इसकी रूफ टॉप पर अवेलेबल है. तो हम उसमें जितना कर सकते उसमें कर रहे हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम साथ इसके एलवी क्लब में दे रहे हैं. जिसने आपने बताया ये लाहौर विलास की सोसाइटी के अंदर ही मौजूद है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो वैसे ही आपको ज़्यादा मिल रही है, इसके कुछ स्पेशल सिक्योरिटी के आपने मेजर्स रखे हैं? सर बिल्कुल, इसकी डबल सिक्योरिटी लेयर होगी. एक तो सोसाइटी की ऑलरेडी सोसाइटी सिक्योरिटी मौजूद है, उसके अलावा हमने जितने इसका कमर्शियल है नीचे कुछ 4 शॉप्स हैं इसकी, उस शॉप्स की जो एंट्रेंस है वो हमने बाहर पार्किंग की तरफ रखी है. बिल्डिंग के अंदर जो रेजिडेंट्स होंगे वही उनको अलाउ होगा जाना, या उनकी इंटरकॉम सहूलत दी गई है हर अपार्टमेंट के अंदर, उनकी परमिशन के साथ कोई बंदा इसमें बिल्डिंग कर सकता है. यानी बिल्डिंग के अंदर माहौल को बहुत अच्छा रखा गया. सर ऑब्वियसली आपने zameen.com के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मार्केटिंग एंड सेल्स का, तो अभी तक क्या रिस्पॉन्स है ज़मीन की टीम का, क्या कहेंगे और डेवलपर्स को इन्वाइट अगर आप करते हैं कि zameen.com कैसा काम कर रहा है आप लोगों की प्रमोशन के लिए, थोड़ा इस बारे में बताइएगा. सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 100% सेटिस्फाइड और मैं आप लोगों के अलावा भी आपकी प्रमोशन गायबाना करता रहता हूँ. और ज़मीन के रिस्पॉन्स की वजह से मैंने दूसरा जो अपना प्रोजेक्ट अपकमिंग एलवी क्लासिक उस पर काम की स्पीड तेज़ कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंशाल्लाह 1 मंथ हम इसको वाइंड अप कर जाएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन पे फोकस करेंगे और दूसरी की प्लानिंग पे हम फोकस कर रहे हैं. आई थिंक डेवलपर के लिए सबसे अच्छी बात ही होती है क्योंकि उसको टेंशन होती है एक चीज़ बिकेगी नहीं बिकेगी, एक अच्छी स्पेशलाइज्ड कंपनी साथ आ जाए और उसको साथ मतलब मॉनिटरी बेनिफिट भी होना शुरू हो जाए तो प्रोजेक्ट भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है. सर बेसिक बिल्कुल ठीक है आपने, सेटिस्फेक्शन ये होती है कि सोसाइटी जो होती है प्लॉट्स के कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी बिक जाते हैं, उसमें डेवलपर को सपोर्ट मिल जाती है. कुछ हमारे दोस्त हजरात डेवलपर्स हैं वो डरते नहीं बनाते बिल्डिंग्स कि यार ये सेल नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अच्छा इन्वायरमेंट दें, अच्छी चीज़ बनाएं और अच्छी लोकेशन पर बनाएं और अल्हम्दुलिल्लाह बिकती है. लोग बस एक ज़ुबान ज़द आम है चीज़ के जी हाइट्स का ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड है लेकिन बनाएं तो सही,
और लोकेशन देख के zameen.com ने तो ट्रेंड आई थिंक अब इतना ज्यादा हो चुका हुआ है कि आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखें तो 90% प्रोजेक्ट्स सारे हाइट्स ही हैं, सारे टावर्स हैं, तो आई थिंक पूरा चेंज हो चुका है माइंडसेट लोगों का। सर लोग बनाते नहीं हैं, बनाएं लोकेशन पे बनाएं और उसको अच्छा प्रेजेंट करें तो इंशाल्लाह बिकता है। लोग पसंद करते हैं अपार्टमेंट्स को, हमने पाकिस्तान से बाहर भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपार्टमेंट्स की रहाइश बहुत प्यारी होती है और बहुत सिक्योर होती है, डबल सिक्योर होती है। मैं सुनता हूँ प्लॉट्स में जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, खासकर इस मौसम में जो फॉग मौसम है, इसमें सिक्योरिटी जो है ना अपार्टमेंट्स की वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन होती है। तो आपका मैं ये फ्यूचर में चलना ही अपार्टमेंट्स है, और जिस लोकेशन पर हम बना रहे हैं वहाँ पर प्लॉट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अपार्टमेंट के अलावा रहाइश अवेलेबल नहीं। सर वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक ताकि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और नेक्स्ट की तरफ मूव करें, और इंशाल्लाह वो भी zameen.com के साथ आप लाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, एंड वी विश यू द बेस्ट। इंशाल्लाह ज़रूर, मुझे बड़ा मज़ा आया और इंशाल्लाह अब हम होपफुल हैं कि ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि डेवलपर को ज़्यादा टेंशन यही होती है कि माल बेचना कैसे और ये कैसा आइटम है, कंस्ट्रक्टेड आइटम जिस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इसको बनाने में। कोई भी डेवलपर इसको अपनी जेब से बना के सेल आउट नहीं कर सकता। अगर जेब से बनाएगा, 3 साल में इसको बनाएगा, फिर 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान देगा, तो मेरे ख्याल में लाइफ में 2-3 प्रोजेक्ट ही कर सकता है बंदा। अगर हमारा साथ साथ बिकता जाए इजीली तो हम इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए तैयार हैं, और मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। सर आप इवेंट पे आए हैं, आपको इवेंट कैसा लग रहा है और आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ है, तो क्या कहेंगे लोगों को कि इवेंट पे आए, आपका प्रोजेक्ट देखें और प्रोजेक्ट्स देखें? क्योंकि एक मार्केट के अंदर जब आप एक कंपटीशन के अंदर बैठे होते हैं तो लोगों की डिसीजन पावर भी ज़्यादा अच्छी होती है, आपको भी मोटिवेशन मिलती है काम करने का, और एक अच्छी प्रोडक्ट बनती है इवेंचुअली एंड कंज्यूमर के लिए। तो इवेंट कैसा लगा आपको? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है, लोगों में बड़ा जोश व खरोश है, बहुत बड़ा रश था, मैं खुद गेट पर खड़ा रहा हूँ एंट्री के लिए, तो माशाल्लाह ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और इससे मैं मज़ीद होपफुल होंगे इंशाल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ये भी सेल होगा और दूसरा भी इंशाल्लाह हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह विल कीप सरप्राइजिंग यू विद गुड थिंग्स इंशाल्लाह, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रोजेक्ट। सो थैंक यू। सो गाइज वी आर NPC होटल राइट नाउ, आपने देखा अभी हम LV हाइट्स के बारे में बात कर रहे थे, विल टॉक टू मोर डेवलपर्स, मोर पीपल कमिंग टू द इवेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए हैं, डिस्कशन चल रही हैं। अगर आप क्राउड देखें ज़रा, मैं ज़रा दिखाइए, तो क्राउड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आया हुआ है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑब्वियसली नीड है, लोगों की नीड है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, लेकिन इस इवेंट के ऊपर पूरा फ़ायदा उठाने लोग ज़रूर आते हैं। सो गाइज डो नॉट मिस आउट ऑन दिस चांस, आप भी आइए अपनी फैमिली के साथ आइए और इस इवेंट का भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, दिस इज अहमद मलिक साइनिंग ऑफ।